नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। समन्वयक पिंडारी कर्माटान के पत्रांक 505 दिनांक 8 सितंबर 2021 के आलोक में उत्क्रमित मध्य विद्यालय कालाझरिया मदनकट्टा, नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय सुंदर जोरी, नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय बाबूडी, नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय सहरजोरी में आज दिनांक 11 सितंबर 2021 को विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन सफलतापूर्वक कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ पर्यवेक्षकों के द्वारा संपन्न हुआ। उप विद्यालयों में पूर्व में ए विवाद हो जाने के कारण बैठक स्थगित करना पड़ा था, जो आज पर्यवेक्षक क्रमशः सहदेव मंडल, मकसूद अंसारी, भवेश चंद्र मंडल, राजेश कुमार गुप्ता, अपर हुसैन, सुधीर चंद्र दास, विकास कुमार एवं अमरनाथ दास के सूझबूझ से यह सभी विद्यालयों का एसएनसी समिति का पुनर्गठन संपन्न हो पाया। निमिस कालाझरिया मदनकट्टा में अध्यक्ष पद पर रमेश कुमार, उपाध्यक्ष पद पर टिंकी तुरीन, एनपीएस सुंदर जोरी में अध्यक्ष मीना देवी व उपाध्यक्ष सफरुद्दीन अंसारी, नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय बाबूडी अध्यक्ष साधु रवानी, उपाध्यक्ष गुड़िया खातून, वहीं यूपीएस सहरजोरी में अध्यक्ष पद पर दामो रजवार, उपाध्यक्ष पद पर कविता देवी का सर्वसम्मति से चयन किया गया। उपस्थित सदस्यों में प्रधानाध्यापक लोकनाथ दास, शिक्षिका गायत्री देवी, उषा देवी, ममता कुमारी, मालती देवी, सुभद्रा देवी, लखी देवी, टेम्पू मूसहर, मोहन मंडल, विजय तूरी आदि सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लेकर पुनर्गठन कार्य को सफल बनाया। सभी सदस्यों ने विद्यालय के प्रति रुचि दिखाते हुए सभी बच्चों का नामांकन, पुस्तक वितरण, कीट वितरण, मध्यान्ह भोजन, इस तरह की विद्यालय में संचालित सारी गतिविधियों का शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालय विकास का कार्य करने का शपथ भी लिए। संवाददाता रामकिशोर मंडल, ब्यूरो चीफ, जामताड़ा।